हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि विंटर्स में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऑयली कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई स्किन वाले हैं तो तीनों के लिए मैं अलग अलग इंग्रेडिएंट बता दूंगी। जो आप लोग ऑयली वालों को यूज नहीं हो पाएगा तो मैं ड्राई वालों के लिए अलग बताऊंगी, ऑयली के लिए अलग। तो ऐसा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ओके। और सिर्फ दो चीजों से हम लोग फेस पैक बनाएंगे, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा झंझट नहीं पालेंगे, बिकॉज डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकली हम लोग अगर देखा जाए तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो इन शॉर्ट हम अपने फेस को अच्छा कैसे रख सकते हैं, अपने एल्बोज को, अगर आपके एल्बोज काली हो गई हैं तो अगर काली होगी तो उन्हें आप कैसे वापस से रिपेयर कर सकते हो, वापस से उसका जो खोया हुआ कलर है वो कैसे वापस ला सकते हो, अगर आपके घुटने काले हो गए हैं तो उन्हें आप वापस वाइट कैसे कर सकते हो। ये एक ही रेमेडी आपके फेस पे भी काम कर जाएगी और आपके एल्बो एंड आपके जो घुटने उन पर भी काम कर जाएगी। और तो अगर आप लोगों को डार्क पैचेस किसी किसी को हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाला फेस पैक। और वो उसका जो फेस पैक हम लोग बनाएंगे उसका मेन इंग्रेडिएंट रहेगा चावल का आटा, ओके। चावल का आटा अगर आप लोगों को नहीं मिलता है कहीं मार्केट में, वैसे तो मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है कि घर में ही चावल को पीस कर उसका आटा बनाकर कंटेनर में स्टोर करके रख लेना, और जब भी आपको ये बनाना हो तो उसमें से एक चम्मच निकाल लिए अपने फेस के अनुसार, या फिर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए। आप अगर पूरी फुल बॉडी पर भी लगाना चाहते हो तो इसे लगाने के बाद जब इसे स्क्रब करोगे तो एक बॉडी पॉलिशिंग की तरह भी काम करेगा, और तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हो, फटाफट से आप लोगों को बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग जो बेस रहेगा इसका वो रहेगा चावल का आटा। मैं अपने फेस के अनुसार एक चम्मच लिया है मैंने चावल का आटा, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसका मतलब एक नॉर्मल सा पेस्ट बन जाए इतना कच्चा दूध। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने क्या करना है, दही या फिर दूध का इस्तेमाल करना है, ओके, ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, ओके। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप नॉर्मल वाटर इस पर मिक्स कीजिए या फिर आप गुलाब जल मिक्स कर सकते हो, ओके। तो ये दो चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले जो हैं वो उसके अंदर पानी गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है, या तो दूध या फिर दही या फिर पानी और या तो फिर रोज वाटर, ओके। सो चलिए हम इसे फटाफट से बना लेते हैं। सो गाइस, यू कैन सी यहाँ मैंने ये चावल के आटे में मैं अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें मिल्क ऐड कर लूँगी, और इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से ही अच्छी तरीके से इसका नॉर्मल टेस्ट बना लूँगी। और गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत छोटी सी रेमेडी आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि यार ये दो चीज़ क्या काम कर जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप 1760 चीज़ें इसमें मिलाओ तभी कोई भी फेस पैक वर्क करता है, नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी स्टेप्स फॉलो कीजिए, नहीं। ये सिर्फ दो ही चीज़ें आपके फेस पर ऐसे मिराकल जैसा काम करेगी, आपका जो खोया हुआ कलर है, खोई हुई रंगत है, खोया हुआ निखार है वो वापस आ जाएगा, और आपको अगर टैनिंग की प्रॉब्लम थी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ये सॉल्व करता है, ओके। और मिल्क आप लोगों को पता ही है गाइस, एक क्लिंजर की तरह भी काम करता है, प्लस आपके जो भी पोर्स के अंदर गंदगी है उन्हें भी खींच कर ले आता है ये, और बिल्कुल डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को। और आप इसको लगाने के बाद देखोगे आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि कोई क्रीम लगा के आए हो आप, वाइटन करने वाली जो क्रीम्स आती हैं मार्केट में महंगी महंगी, उस टाइप की, बिकॉज इसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल वाइट लगने लग जाती है। एक सिंगल यूज़ में ही एक वो होता है ना कि जो चीज़ आप फेस पर लगाते हैं उसका वो कलर छोड़ जाता है, लाइक वैसे ही हम जैसे दोनों चीज़ें इसमें वाइट वाइट यूज़ कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा इसे यूज़ करने के बाद इंस्टेंट आपके फेस पर ग्लो आएगा, आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, और तो आपको अगर सन एक्सपोजर के कारण जो सन टैन हो जाता है या फिर कई डार्क पैचेस हो जाते हैं वो भी सब चले जाएंगे। और दूसरी अच्छी बात ये है कि आप इसे स्क्रबर की तरह स्टार्टिंग में अप्लाई कर लें तो आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो भी इससे सब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जो चावल का आटा होता है वो हल्का हल्का दरदरा होता है, तो उसकी वजह से एकदम ये माइल्ड जो स्क्रबर होता है उसकी तरह काम करेगा, तो आपके टू इन वन काम हो जाएगा, आपके जो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो भी रिमूव हो जाएंगे इससे। तो सबसे फर्स्ट हम अच्छी तरीके से इससे मसाज करेंगे लगाने से पहले मास्क को, ओके। बहुत ज़्यादा रफली इससे आपने नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से।
तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने पहले इससे अच्छी तरीके से स्क्रब करके मसाज करके देन इसके ऊपर अच्छा थोड़ा सा मोटा लेयर इस पैक का लगा के इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखूंगी, देन निकालते वक्त भी इसे हल्का सा रब करके निकालूंगी ताकि जो भी आपके डेड स्किन्स हैं वो अभी इसे गीले गीले में थोड़ी फूल जाएगी लगे लगे में मास्क, और जो भी आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो थोड़े से वो भी निकलने लग जाएंगे, तो उस वक्त मैं इसे रब करके और निकाल दूंगी। आई थिंक मुझे वॉश करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप खुद यूज़ कीजिए, इसका रिजल्ट आप खुद अपने फेस पर देखिए, और इसके बाद जो इंस्टेंट आप लोगों को आपके फेस पर एक क्लीनलीनेस दिखेगी, प्लस आपका जो फेस है वो बिल्कुल डीप क्लीन लगेगा आपको, और आपके जो पिगमेंटेशन टैनिंग की प्रॉब्लम है बहुत शॉर्ट ही ये क्लीन करने लग जाएगा, और इतना ग्लोई फेस लगेगा कि जो महंगे महंगे दो दो तीन तीन हज़ार के फेशियल करते हैं उसके बाद भी आप लोगों को ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो इसके इंस्टेंट बाद आप लोगों को देखने मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात ये यार, इसमें दो ही चीज़ तो हमें मिक्स करना है, कोई हमें बहुत ज़्यादा काम शाम करना भी नहीं है इसमें। अगर कोई हाउस वाइफ से तो कई लोग बोलते कि यार हमें तो टाइम नहीं मिलता ये सब करने का, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगी कि आप किचन में जाते हो, इतने एक एक दो दो घंटे खाना बनता है, ये होता है सब कुछ हम काम करते हैं, तो उस वक्त करना क्या है कि किचन में जाते से ही हाथ में ज़्यादा कटोरी वटोरी भी ना लें, हाथ में थोड़ा सा चावल का आटा लें, उसमें दूध मिक्स करना है, हाथ में मिक्स किया और पूरे फेस पर लगा के ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे ही आपका काम खत्म होगा आपका फेस पैक भी सूख जाएगा, और ऐसे वॉश कर लीजिए फिर आप। सो गाइस इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको और भी आपका ये जो फेस पैक है बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं लगेगा, अगर आप लोग ऐसे मल्टीपल काम करते हो तो आप इसे लगा कर रख लोगे, कुछ भी करना नहीं है, नॉर्मल सा आप लगा के दो मिनट मसाज करो और ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से मतलब नॉर्मल जो भी पानी आपका घर में होता है उससे आप वॉश करना है आपने, और फिर आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइजर है उसे आपने अप्लाई कर लेना है। सो गाइस यही था आज का मेरा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जो भी स्किन से रिलेटेड स्किन केयर्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को अगर लगता है कोई प्रॉब्लम आप लोग अगर फेस कर रहे हो और आप लोगों को उस चीज़ का कोई हल नहीं मिल पा रहा तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड मैं वीडियोज जरूर लेकर आऊँगी, आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगी। सो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। सो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।